राधे राधे स्टूडेंट्स, मैं एस नारायणा फ्रॉम कैटलिस्ट कोचिंग सेंटर, न्यू बस स्टैंड फिरो भोजपुर। आज मैं आपको क्लास ट्वेल्थ का केमिस्ट्री का चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसको हिंदी बोलते हैं वैद्य रसायन, पढ़ाने वाला हूं। ये फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे आपकी आईसी के एग्जाम में आप क्वेश्चन देखेंगे तो हर साल क्वेश्चन लगभग आपको 2 से लेकर 6 नंबर के बीच में पूछे गए हैं, तो आप ध्यान देंगे। और ये ऐसे कम्पिटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप आईआईटी जी और नीट एग्जाम के लिए भी टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें इसका 2 पार्ट है, एक थ्योरी पार्ट होगा और इसका एक न्यूमेरिकल पार्ट होगा। तो न्यूमेरिकल पार्ट के ऊपर हम लोग अलग से वीडियो बना रहे हैं, जिसमें आपको सोल्यूशन का वीडियो अपलोड किया जा रहा है, दूसरा चैप्टर का वीडियो अपलोड किया जा रहा है, उसके बाद इस चैप्टर का वीडियो अपलोड किया जाएगा इंटरनेट पर। आप कहीं भी स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपको इस चैप्टर का नोट्स चाहिए तो आप हमारे नंबर पे, इंस्टीट्यूट के नंबर पे कॉल करें और अपना नाम पता दर्ज कराएं, इस लॉकडाउन में घर बैठे आप उस नोट्स को प्राप्त करें और हमारे इस वीडियोज को देखते हुए अपने घर पर आईसी के सभी विषयों की तैयारी करें। आपको प्रत्येक विषय का नोट्स उपलब्ध हो जाएगा और हमारा जो वीडियोज है उस प्रत्येक विषय के ऊपर रेगुलर बनाया जा रहा है, नियमित बनाया जा रहा है, इसलिए हमारे वीडियोज को रेगुलर आप देखें, चाहे वो न्यूमेरिकल का वीडियो हो, चाहे वो मैथ का वीडियो हो, चाहे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री का वीडियो हो, ये रेगुलर बनेगा, रेगुलर बन भी रहा है। तो आप अधिक से अधिक अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों को भी बताएं और उनकी मदद करें, जो बच्चे मान लीजिए कहीं बाहर से आकर के फंस गए हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके पास पढ़ने का व्यवस्था साधन नहीं है, तो इसको वीडियो को देख करके और नोट्स हमसे लेकर के पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए समय न बर्बाद करते हुए आगे की हम टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए चैप्टर जो है ये 3, इसमें देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है ये 2 वर्ड से बना हुआ है, एक है इलेक्ट्रो, दूसरा है केमिस्ट्री। यहाँ इलेक्ट्रो का तात्पर्य जो है, इलेक्ट्रो का मीनिंग जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी से, और केमिस्ट्री का जो मीनिंग मतलब है, यहाँ केमिस्ट्री का मतलब जो है वो मतलब है केमिकल एनर्जी से। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच में कुछ न कुछ रिलेशन दुनिया के वैज्ञानिकों ने पाया और उसी रिलेशन को उजागर करने के लिए ये चैप्टर बना हुआ है आपका। और ये रिलेशन आप देखिए देख सकते हैं, जैसे आपके पास घर में इन्वर्टर वाली बैटरी है तो आप देखेंगे इन्वर्टर वाली जो बैटरी है तो एक बार आप उसको पहले चार्ज करते हैं, तो चार्ज करते समय क्या करते हैं, उसको विद्युत ऊर्जा देते हैं, तो विद्युत ऊर्जा देते हैं और अंदर में केमिकल प्रोसेस होता है, रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। अब जब लाइन कट जाता है तो देखिए सिस्टम उल्टा हो जाता है, उल्टा क्या हो जाते हैं कि लाइन कट जाता है तो अंदर जो केमिकल प्रोसेस होता है और बाहर विद्युत ऊर्जा निकलती है। तो इसका मतलब क्या कि कहीं ना कहीं विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो वैद्युत रसायन जो है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है, ये साइंस का वैसा ही भाग है जो विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के बीच के पारस्परिक संबंधों की चर्चा करते हैं। आप शुष्क सेल में भी देखें, जो घर में रेडियो में बैटरी लगता है या फिर टॉर्च में बैटरी लगता है या घड़ी में बैटरी लगता है या आपके मोबाइल में बैटरी लगता है, तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ केमिकल चीज भरा होते हैं जो आपको अंदर, उसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया होती रहती है और रासायनिक अभिक्रिया होने के फलस्वरूप जब तक रासायनिक अभिक्रिया होती है तब तक उससे ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा मिलती है, रासायनिक अभिक्रिया होना अंदर बंद हो जाता है, उसके अंदर का मटेरियल खराब हो जाता है, तो वो फिर विद्युत ऊर्जा का वहां से रेगुलर आपूर्ति आपको नहीं हो पाता है। तो ये वैद्युत रसायन जो चैप्टर है, आप फिजिकल केमिस्ट्री का ये ध्यान रखेंगे कि ये फिजिकल केमिस्ट्री का ऐसा भाग है जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के आपसी परिवर्तन के संबंध में अध्ययन किया जाता है। और इसके 2 क्षेत्र हैं, कौन कौन क्षेत्र हैं, पहला क्षेत्र है विद्युत अपघटनी चालन जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, और दूसरा आपका है विद्युत रासायनिक सेल जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ये आप इसके बारे में हमको पढ़ना है, तो पहले हम चर्चा करते हैं विद्युत अपघटनी चालन के बारे में, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के बारे में, फिर हम लोग चर्चा करेंगे आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, विद्युत रासायनिक सेल के बारे में, क्योंकि प्रत्येक टॉपिक का आपको डीपली व्याख्या होना चाहिए, अच्छी तरह से व्याख्या होना चाहिए ताकि कॉन्सेप्ट आपका अच्छी तरह से क्लियर हो सके। तो हम पहले सेल के ऊपर चर्चा बाद में करेंगे, पहले हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के ऊपर चर्चा करते हैं, क्योंकि छोटी छोटी बात आपको पहले समझ में आएगी तो फिर आपको सेल समझना आसान हो जाएगा। तो यहां ध्यान देंगे,
देखिए, किसी विद्युत अपघटनी विलयन से होकर विद्युत धारा के प्रवाहित होने की घटना को विद्युत अपघटनी चालन कहा जाता है। ये विद्युत अपघटनी चालन, विद्युत अपघटनी विलयन क्या होता है, देखिए आप बैटरी के अंदर देखते हैं, पानी जब डालते हैं, तेजाब डालता है तो उसके अंदर पानी मिला करके विलयन को तनु कर देता है, और तनु माने पतला कर देता है। पतला करने के बाद में एक विलयन तैयार होता है जिसको बैटरी के अंदर डाल देते हैं। डायरेक्ट बिना पानी के बैटरी का सेल चार्ज तो होगा, लेकिन वो धारा को उतनी देर तक आवेश को अपनी ओर स्टोर नहीं कर पाएगा, या फिर उसका इफेक्ट सेल के ऊपर कुछ धीरे धीरे पड़ेगा, उसकी चालकता का मान घट जाएगा। इस वजह से उसके अंदर एक विद्युत अपघटक पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं। आपको आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वही करें, किसी विद्युत अपघटनी विलयन से होकर विद्युत धारा के प्रवाहित होने की घटना को हम लोग विद्युत अपघटनी चालन कहते हैं। विद्युत अपघटनी चालन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? तो विद्युत अपघटनी चालन को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारक होते हैं, सबसे पहला है अंतर आयनिक आकर्षण बल। ये अंतर आयनिक आकर्षण बल क्या है? तो विलेय और विलेय पदार्थ के बीच में जो अनन्य क्रियाओं द्वारा बल लगता है, वो अंतर आयनिक आकर्षण बल होता है। और अंतर आयनिक आकर्षण बल होने के वजह से अणु जो होंगे एक दूसरे से दूर दूर नहीं होंगे। दूर दूर नहीं होने का मतलब क्या होगा कि वो विलयन के अंदर मतलब ज्यादा श्यानता रहेगा, ज्यादा गढ़ापन रहेगा, वो पतला नहीं होंगे। और विलयन जब तक पतला नहीं होगा, जब तक तनु नहीं होगा, तब तक उसकी चालकता बढ़ेगी नहीं। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं अंतर आयनिक आकर्षण बल जो है विलयन की चालकता को प्रभावित करते हैं। दूसरा जो है विलयन की विलायक की श्यानता, जो उसमें विलायक डाला गया यदि वो अधिक गाढ़ा है, अधिक श्यान है। श्यानता मतलब गाढ़ा, श्यानता को आप समझ सकते हैं। जैसे देखिए मध और पानी में कौन अधिक श्यान है? मध जो है ज्यादा अधिक श्यान है, क्योंकि ज्यादा अधिक गाढ़ा है। तो श्यानता अधिक रहेगा यदि विलायक के, तो समझ लीजिए कि उसमें चालकता उसका ऑटोमेटिक कम होगा, क्योंकि श्यानता अधिक रहेगा तो आयन ठीक से विभाजित नहीं होंगे, आयन उतना तेजी से दौड़ेंगे नहीं, गति नहीं करेंगे। तो इसलिए ये विलायक की श्यानता और अंतरायनिक आकर्षण बल का मान अधिक होने पर अनन्य क्रियाएं अधिक होने लगती हैं, जिसके वजह से उसकी चालकता कम हो जाती है, क्योंकि तनु विलयन की ही चालकता अधिक होती है। तनु विलयन की चालकता अधिकतम होती है। तनु विलयन मतलब क्या है? कि पतला विलयन जिसमें जल मिलाया हुआ, जल मिलाकर के तनु कर दिया जाता है। आप जाते होंगे दुकान के में तो तेजाब डालने के लिए, देखिए ओरिजिनल तेजाब जो होता है बैटरी के अंदर, 6 महीना जब खराब हो जाता है, 5-6 महीना चलता है बैटरी का पानी, उसके बाद खराब हो जाता है, तो बैटरी के अंदर तेजाब जो डालते हैं तो मिस्त्री निकालता तेजाब तो बहुत गाढ़ा होते हैं, तो गाढ़ा होता है तो उसको डाइल्यूट करता है, तनु बनाता है, पानी डालता है, अपने अंदाज से नापता है उसको, एक पैमाने के तहत 12.5 या पता नहीं कितना मीटर के ऊपर नापता है वो, और उसके बाद उसको डालता है उस बैटरी में जितनी जरूरत है। तो इससे आपको फायदा क्या होता है कि विलयन तनु होगा तो चालकता उसका अधिक हो जाएगा। अगला है आयनों का विलयनीकरण। यदि आयनों का विलयनीकरण अधिक हो जाए तो विद्युत अपघटनी चालन का मान कम हो जाएगा, क्योंकि देखेंगे आप जैसे आप जब बैटरी के अंदर पानी डाल दे तो 6 महीना हो जाए, 8 महीना हो जाए, तो धीरे धीरे बैटरी चार्ज, बैटरी का जो चार्ज होता है वो ज्यादा देर टिकता नहीं है। क्यों नहीं टिक पाता है? तेजाब तो उसके अंदर है ही, तनु विलयन तो है ही, टिकता नहीं, क्योंकि उसके अंदर जो आयन थे पहले से वो अधिक मात्रा में अब क्या हो गए, विलीन हो गए। अब विलीन हो जाने की वजह से वो उसका जो, देखिए जब दुकान पे ले जाते हैं बैटरी को तो उसका तेजाब को टेस्ट करता है, वो चेक करता है, चेक करने के बाद देखता करता है कि इसका तेजाब खराब है, तो फिर दूसरा तेजाब डालता है, दूसरा विद्युत अपघटक और पानी के मिश्रण को डाल देता है। तो इसलिए आयनों का विलयनीकरण अधिक होने पर भी विद्युत अपघटन चालन का मान घट जाता है। अगला जो है विद्युत अपघटनी चालन के प्रभावित करने वाला कारक जो है, सबसे प्रमुख कारक है तापमान। तापमान में वृद्धि होने पर विद्युत अपघटनी चालन का मान जो होता है बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? कि तापमान में वृद्धि होने से आयन जो होते हैं तेजी से विभाजित हो जाते हैं, विभाजित हो जाने पर आयनों की संख्या अधिक होगी तो जाहिर सी बात चालकता का मान बढ़ेगा। देखिए यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। धात्विक इलेक्ट्रॉनिक चालकों की चालकता ताप में वृद्धि होने पर घटती है। देखिए जस्ट उसका अपोजिट है, धात्विक इलेक्ट्रॉनिक चालकों की चालकता जो होती है ताप में वृद्धि होने पर घटती है, जबकि अभी आप देखें विद्युत अपघटनी चालकों की चालकता जो होती है ताप बढ़ने पर बढ़ती है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखेंगे, धात्विक चालकों की चालकता ताप बढ़ने पर घटती है, और अर्धचालक आप पढ़ेंगे, अर्धचालक के बारे में आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा ना, तो उसमें पढ़ाया जाएगा आपको, अर्धचालक की चालकता भी ताप बढ़ने पर बढ़ती है, लेकिन धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालकों की चालकता होती है जो ताप में वृद्धि होने पर क्या होती है, घटती है। वैसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के ही प्रवाहित होते हैं क्या कहलाते हैं? धात्विक चालक। धात्विक चालक किसको कहेंगे? जिनसे होकर विद्युत धारा का प्रवाह बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के होता है,
ये धात्विक चालक कहलाते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो होते हैं ना मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इनके अंदर विद्युत का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन की मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के आधार पर होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके अंदर माध्यम बनते हैं। और आपको देखिए, तो यहाँ आप इलेक्ट्रॉनिक चालक में और विद्युत अपघटनी चालक में देखिए मेन अंतर आप यही गौर कर सकते हैं कि विद्युत अपघटनी चालक और इलेक्ट्रॉनिक चालक में क्या अंतर है। विद्युत अपघटनी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है किसके फलस्वरूप, रासायनिक वियोजन के फलस्वरूप। उसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल लोचा होते हैं, केमिकल प्रोसेस होता है, तभी जाकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है। लेकिन धात्विक चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह होता है किसके बदौलत, उसके भीतर पाए जाने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या के बदौलत। तो यहाँ जो होते हैं विद्युत अपघटनी चालक के अंदर जो उदाहरण है आप देख सकते हैं, लवणों का जलीय विलयन विद्युत अपघटनी चालक का उदाहरण है। जैसे देखिए कॉपर सल्फेट में आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, कॉपर के विद्युत विच्छेदन करा देते हैं हम लोग, तो उसमें शुद्ध कॉपर का क्या लेते थे, एनोड और अशुद्ध कॉपर, शुद्ध कॉपर का लेते थे कैथोड और अशुद्ध कॉपर का लेते थे एनोड, आप देखे थे उसमें, और विद्युत धारा प्रवाहित करते थे। तो इससे क्या होता था कि अशुद्ध कॉपर गल करके शुद्ध कॉपर के ऊपर जाके जमा हो जाता था। तो वहां उसमें जब हम लोग लेते थे ना उसको विद्युत विच्छेदन कराने के लिए, तो उसमें आप कॉपर का ही लवण इस्तेमाल करते थे, कॉपर सल्फेट CuSO4 10th क्लास में आप पढ़े होंगे। तो जिस तो ये जो लवण होता है ना धातु के लवणों का जलीय विलयन, अम्ल तथा क्षार का जलीय विलयन, ये सब जो लवण होते हैं आपको विद्युत अपघटनी चालक के अंतर्गत आते हैं। इनमें विद्युत का प्रवाह आयनों की गति के कारण होता है, और धात्विक चालक में विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होता है। तो अभी आप इसमें दोनों टॉपिक में आप अंतर देख सकते हैं, अभी क्लियर कर देते हैं आपको। देखिए यहाँ धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक में अंतर आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे धात्विक चालक में क्या हुआ, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण हुआ, इलेक्ट्रॉनिक गति कारण हुआ। विद्युत अपघटनी चालक में क्या हुआ, विद्युत धारा का प्रवाह आयनों की गति कारण हुआ। ध्यान देंगे दोनों वर्ड में जरा सा माइंड अंतर है। धात्विक चालक में इलेक्ट्रॉन की गति कारण, क्योंकि इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये आयनों की गति कारण, क्योंकि ये पहले अपने जलीय विलयन में आयन वियोजित करेगा फिर इसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होगा। अच्छा एक बात और ध्यान रखेंगे, वैसे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में विद्युत का चालन नहीं करेंगे तो उनको कहेंगे हम लोग विद्युत अनपघट्य पदार्थ। ये वर्ड ये भी याद रखेंगे, विद्युत अपघटनी चालक के उल्टा हो जाएगा विद्युत अनपघट्य, जिसके जो अपने गलित अवस्था में या जो अपने जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत का प्रवाह नहीं करेंगे। तो वो भी देख लेंगे, नोट में आपको लिखा होगा उसके बारे में। तो अभी आप मुद्दे पर देखते हैं, धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक में सबसे बड़ा अंतर क्या हुआ आपको, कि धात्विक चालक में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन की गति कारण, विद्युत अपघटनी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह आयनों की गति कारण होता है। इनमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, धात्विक चालक में कोई रासायनिक परिवर्तन, उसको केमिकल लोचा से कोई मतलब नहीं, केमिकल प्रोसेस से कोई मतलब नहीं। लेकिन विद्युत अपघटनी चालक के अंदर पहले वियोजन होगा फिर आयन की उत्पत्ति होगी तब जाके विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो इसको केमिकल प्रोसेस, केमिकल लोचा से मतलब है। इनकी इसकी चालकता जो होती है ना प्रायः उच्च होती है, क्योंकि इसको केमिकल प्रोसेस से कुछ लेना देना नहीं है। इसकी चालकता प्रायः निम्न होती है, क्योंकि ये पहले आयन वियोजित होंगे फिर चालकता इसकी बढ़ेगी घटेगी। तापमान में वृद्धि होने पर इसकी चालकता घट जाएगी। देखिए सबसे बड़ा नुकसान इसमें ये है, जैसे जैसे ताप टेम्परेचर बढ़ेगा धातु चालक का, वैसे वैसे इसकी चालकता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। लेकिन विद्युत अपघटनी चालक का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ताप में वृद्धि होने जैसे जैसे होगा वैसे वैसे चालकता बढ़ती चली जाएगी। तो ये आपको अंतर आप समझ सकते हैं, इसमें ये चार मुख्य अंतर दिखा दिए आपको ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं हम, चालकता, कंडक्टेंस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टेंस। और इस देखिए इसका इंग्लिश चूंकि होता है कंडक्टेंस, इसे इसको सूचित भी करते हैं हम लोग सी लेटर से। तो चालकता है क्या, चालकता जो है विद्युत धारा के सुगम प्रवाह की माप। किसी पदार्थ से विद्युत धारा, सुगम प्रवाह मतलब क्या, कितनी आसानी से होगी गुजर रही किसी पदार्थ से, तो विद्युत धारा के सुगम प्रवाह की माप, शॉर्ट में याद रखेंगे डेफिनेशन इसका। चालकता का मतलब विद्युत धारा के सुगम प्रवाह की माप, ऐसे पहले याद करेंगे, चालकता माने विद्युत धारा के प्रवाह की माप। और कैसी प्रवाह की माप, सुगम प्रवाह की माप, सुगम माने क्या, आसानी से। तक विद्युत धारा के सुगम प्रवाह की माप, और विद्युत धारा का सुगम प्रवाह किससे होगा, किसी चालक पदार्थ से। इसलिए इसका डिफिनेशन बनता है आपको कि किसी चालक पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के सुगम प्रवाह की माप को चालकता कहा जाता है। आप चालकता को शॉर्ट में याद करिए, चालकता माने विद्युत धारा के सुगम प्रवाह की माप, पहले याद करें विद्युत धारा के प्रवाह की माप। और कैसी प्रवाह, सुगम प्रवाह की माप। और ये सुगम प्रवाह किससे होना चाहिए, किस चालक पदार्थ से होना चाहिए, वही डिफिनेशन बनता है। किसी चालक पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के सुगम प्रवाह की माप को चालकता कहते हैं। और इसका मान चालक पदार्थ के प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। जाहिर सी बात है, देखिए चालकता का उल्टा क्या होगा, प्रतिरोध।
चालकता मतलब विद्युत का प्रवाह हो रहा है, प्रतिरोध मतलब विद्युत का प्रवाह होने में रुकावट आ रहे हैं, तो इसलिए चालकता का जो मान होता है ना, इसका सांख्यिक मान जो होता है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो चालकता का सांख्यिक मान प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है, यानी चालकता बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक बटा प्रतिरोध, व्युत्क्रम माने क्या उल्टा, तो एक बटा क्या लिख सकते हैं यहाँ पे प्रतिरोध, और चालकता को सूचित करते हैं आप चूंकि सी से, तो इसलिए सी बराबर हो जाएगा एक बटा प्रतिरोध को आप पढ़े 10th क्लास में, क्या सूचित करते हैं हम लोग आर सी, और प्रतिरोध का एसआई मात्रक भी आप पढ़े क्या होता है ओम, तो सी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी का मात्रक क्या होगा एसआई मात्रक, चालकता का मात्रक एक बटा में ओम, तो एक बटा में ओम, तो ओम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ओम इनवर्स, और ओम इनवर्स को एक याद रख लेंगे नया वर्ड आप आईसी में सीख लीजिए, इसको सीमेंस कहते हैं, इसको सूचित करते हैं हम लोग कैपिटल एस से, ओम इनवर्स को किस सूचित करते हैं हम लोग कैपिटल एस से। अब देखिए अगला टॉपिक है आपको विशिष्ट चालकता, देखिए तो विशिष्ट चालकता, तो जाहिर सी बात है कि देखिए चालकता में केवल प्रतिरोध था, तो विशिष्ट चालकता में विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा, तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहेंगे, ध्यान देंगे चालकता और विशिष्ट चालकता में क्या फर्क है, चालकता जो था वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम था, सिंपल प्रतिरोध का व्युत्क्रम था, और विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, और ये विशिष्ट प्रतिरोध को आप सूचित कर रहे हैं रो से, 10th क्लास में आप पढ़े थे रो से सूचित करते हैं, और विशिष्ट चालकता को सूचित करते हैं, यहाँ एक लेटर होता है के की तरह होता है लेकिन थोड़ा मुड़ा हुआ होता है कॉर्नर पे, तो इसको सूचित करते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं कप्पा, तो विशिष्ट चालकता को सूचित करते हैं हम लोग कप्पा अक्षर द्वारा, यानी विशिष्ट चालकता बराबर एक बटा विशिष्ट प्रतिरोध, अब विशिष्ट चालकता सूचित करते हैं हम लोग कप्पा से, कप्पा बराबर एक बटा में रो, और हम तो 10th क्लास में पढ़े प्रतिरोध आर का सूत्र होता है रो इंटू एल बटा में ए, किस चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, क्वेश्चन जो हम पढ़े थे उसमें आप पढ़े थे कि चालक का प्रतिरोध जो है चालक की लंबाई पर उसका अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपाती होता है, लंबाई के समानुपाती होता है, और तब आप जाकर आर बराबर रो इंटू एल बटा ए लिए थे वहां पे 10th क्लास में, याद आ रहा होगा आपको फिजिक्स में पढ़े थे तो ये फॉर्मूला, तो वहीं से फॉर्मूला लिया गया है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से कि यहाँ से हम रो का मान किसी तरह से निकालेंगे, तो देखिए ये रो बराबर कैसे हो, क्या होगा मान ये ए इधर भाग में तो इधर गुना हो जाएगा, तो आर गुने ए, एल ऊपर रहते जाएगा तो क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा, यानी रो बराबर आ जाएगा आपको आर इंटू ए बटा में एल, यानी रो बराबर लिख सकते हैं इसको आर इंटू ए बटा एल, और देखिए कप्पा की जगह भर सकते हैं एक बटा में विशिष्ट प्रतिरोध रो था यहाँ पे, तो रो की जगह हम क्या भर सकते हैं आर इंटू ए बटा एल, ये डबल एल डबल बटा के नीचे हो गया बाबू, तो इस चला जाएगा ऊपर एक गुने एल, यानी एल हो जाएगा आर इंटू ए, तो कप्पा बराबर एक बटा आर इंटू एल बटा ए, यानी कप्पा बराबर अब देखिए यहाँ पे एक बटे आर को तो अभी अब तुरंत पढ़े क्या कहते हैं हम लोग चालकता, चालकता का सूचित करते हैं हम, चालकता को किससे सूचित करते हैं हम लोग सी लेटर से, यानी कप्पा बराबर सी इंटू एल बटा ए, अब यहाँ हम चाहेंगे तो कप मात्रक निकालेंगे, तो कप्पा का मात्रक यानी विशिष्ट चालकता का मात्रक बराबर क्या होगा, चालकता का मात्रक सी का मात्रक इंटू एल का मात्रक, एल का मात्रक क्या होता है मीटर, अबटा में ए जो होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अबटा में क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो यह मीटर यहाँ पे दो मीटर होगा, मीटर को मीटर एगो मीटर से एगो मीटर कट जाएगा, आई जो सी जो होता है ये चालकता इसका तो अभी देखे मात्रक क्या होते हैं ओम इनवर्स, जिसको सीमेंस बोलते हैं, अभी आप देख सकते हैं इसको, देखिए कप्पा का मात्रक बराबर चालकता का मात्रक ओम इनवर्स इनटू मीटर बटा मीटर स्क्वायर, तो मीटर अब बटा में मीटर गुने मीटर तक मीटर कट जाएगा, तो ओम इनवर्स एक बटा मीटर, यानी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, तो ओम इनवर्स को बोलते हैं सीमेन, तो सीमेन प्रति मीटर, ये विशिष्ट चालकता का मात्रक हो गया, आप याद रखेंगे ये जो क्वेश्चन है सब एग्जाम में पूछे गए ऑब्जेक्टिव में, चालकता का मात्रक ओम इनवर्स या सीमेंस, और विशिष्ट चालकता का मात्रक आपका क्या हो गया सीमेंस प्रति मीटर या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, तो ये सब याद रखेंगे आपको एक नंबर वाले क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए अगला टॉपिक है आपका तुल्यांकी चालकता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तुल्यांकी चालकता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इसको सूचित करते हैं लैम्डा इक्यू द्वारा, ये देखेंगे संकेत इसका क्या है लैम्डा इक्यू, तो तुल्यांकी चालकता क्या है, तो जाहिर से बात है तुल्यांकी चालकता है तो बिलियन का यहाँ क्या लेना होगा हमको एक ग्राम तुल्यांक, तो किसी बिलियन के एक ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य में एक सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो समांतर इलेक्ट्रोडो, दो समांतर इलेक्ट्रोड कौन कौन एनोड और कैथोड, दो समांतर इलेक्ट्रोडो के मध्य
जो बिलियन होगा उसकी चालकता जो होगी, उसी की चालकता क्या कहेंगे हम लोग, तुल्यांक की चालकता। यानी एक ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य में, किसी बिलियन की एक ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य में एक सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो समानांतर इलेक्ट्रोडों के बीच जो बिलियन होगा उसकी चालकता को हम लोग क्या कहेंगे, तुल्यांक की चालकता। यानी तुल्यांक की चालकता क्या हुआ, दो समानांतर इलेक्ट्रोडों के बीच मौजूद बिलियन की चालकता। और दो समांतर इलेक्ट्रोड किस सिचुएशन में होने चाहिए, एक दूसरे से एक सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होने चाहिए, और किस प्रकार के विद्युत अपघट्य में होने चाहिए, तो एक ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य में होने चाहिए, तब जाकर के ये जो बिलियन की चालकता होगी वो क्या कहलाएगी, तुल्यांक की चालकता कहलाएगी। और इसको सूचित करेंगे हम लोग लैम्डा इक्विवेलेंट द्वारा सूचित करेंगे। विशिष्ट चालकता और तुल्यांक की चालकता में आगे देखेंगे संबंध या रिलेशन है दोनों में। देखिए अब यहाँ पे दिया है कि यदि एक ग्राम समतुल्य विद्युत अपघट्य युक्त वाले बिलियन के, मान लीजिए भी आयतन को, यहाँ हम क्या किए कि एक ग्राम समतुल्य विद्युत अपघट्य युक्त बिलियन लिए और उसका कितना आयतन लिए, भी आयतन लिए, और उसको एक सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रोडों के बीच में हम रख दिए। यानी दो इलेक्ट्रोडों के बीच में जो आयतन रखा गया बिलियन का वो है कितना, भी, और उस दौरान हम मापे बिलियन की चालकता को मापे तो चालकता आया हमारा एक्स। यानी यहाँ पे कहलेंगे मतलब क्या कि ये तुल्यांक की चालकता जो क्या हुआ आपको एक्स हुआ, यानी लैम्डा इक्विवेलेंट यहाँ पे कितना हो गया एक्स। यानी कहने का मतलब यहाँ पे एक चीज और क्लियर हो सकता है कि भी सेंटीमीटर क्यूब आयतन की चालकता कितनी हो गई एक्स, तो एक सेंटीमीटर क्यूब आयतन की चालकता कितनी हो जाएगी एक्स बटा में भी, क्योंकि ये भी आयतन की चालकता एक्स है तो इकाई के लिए क्या होगा, बटा में भाग लग जाएगा तो एक्स बटा में क्या हो जाएगा भी, कैसे आप पढ़ेंगे, पांच कलम का दाम 50 रुपया है तो एक कलम का दाम कितना हो जाएगा 50/5 होता है कि नहीं। तो इस तरह से ये भी आयतन के लिए चालकता एक्स है तो इकाई आयतन के लिए एक के लिए क्या होगा एक्स बटा भी। आप एक नियम का सवाल पढ़े जानते हैं, और आप ये भी जानते हैं बात कि एक सेंटीमीटर क्यूब इकाई सेंटीमीटर क्यूब आयतन की चालकता को ही हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग विशिष्ट चालकता, बिलियन के इकाई आयतन की चालकता। तो बिलियन के इकाई आयतन की चालकता यहाँ पे कितना हो गया एक्स बटा भी, यानी एक्स बटा भी को हम लोग विशिष्ट चालकता कहेंगे। विशिष्ट चालकता सूचित करते हैं किससे, हम लोग कप्पा अक्षर से सूचित करते हैं। यानी यहाँ पे कप्पा का वैल्यू क्या हो जाए, कप्पा बराबर एक्स बटा में भी। देखिए यहाँ कप्पा बराबर एक्स बटा में भी, तो कप्पा बराबर एक्स जगह पे हम अभी क्या भरे लैम्डा इक्विवेलेंट बटा में भी, यानी कप्पा गुने भी बराबर लैम्डा इक्विवेलेंट, यानी लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर कप्पा गुने भी। यानी ये लैम्डा इक्विवेलेंट तुल्यांक की चालकता बराबर कप्पा जो हो गया क्या हुआ, विशिष्ट चालकता गुने बिलियन का आयतन जो दो इलेक्ट्रोडों के बीच में रखा हुआ है। तुल्यांक की चालकता का मात्रक जो होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, तुल्यांक इनवर्स या सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये अगला जो टॉपिक है आपका मोलर चालकता, तो मोलर चालकता इसी के जैसा ये भी है। आप जो पीछे टॉपिक देखे उसमें बिलियन को हम जो लिए थे एक ग्राम तुल्यांक बिलियन लिए थे, तो यहाँ बिलियन जो लेंगे एक मोल विद्युत अपघट्य वाले बिलियन लेंगे, वहां रखे थे बिलियन को किस में रखे थे, दोनों को एक दूसरे से एक सेंटीमीटर की दूरी पर रखे थे, यहाँ रखेंगे दो इलेक्ट्रोडों के बीच, एक दोनों इलेक्ट्रोड के बीच रखेंगे इस बिलियन को, लेकिन दोनों इलेक्ट्रोड कितने दूरी पर होना चाहिए, एक दूसरे से एक मीटर की दूरी पर स्थित होना चाहिए समांतर। तो वही यहाँ डिफिनेशन बनता है कि एक मोल विद्युत अपघट्य वाले बिलियन को एक मीटर की दूरी पर स्थित दो पर्याप्त बड़े इलेक्ट्रोडों के बीच रखने से या दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच रखने से प्राप्त उस बिलियन की जो चालकता होगी उसको हम लोग कहेंगे मोलर चालकता, और इसको सूचित करेंगे हम लोग लैम्डा एम द्वारा। और इसका ऐसे मात्रक जो होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स या सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यानी प्रति मोल होता है। यदि किसी बिलियन के भी आयतन में एक मोल भी तो घट घुला हो एवं बिलियन का साधारण सी तथा विशिष्ट चालकता क्या हो कप्पा हो, तो देखिए इसका रिलेशन क्या होता है। देखिए बिलियन की मोल चालकता जो होती है लैम्डा एम बराबर होती है कप्पा बटा में सी, एवं लैम्डा एम जो है ना तुल्यांक की चालकता, सॉरी मोलर चालकता बराबर होता है कप्पा इंटू भी। ये लैम्डा एम बराबर कप्पा बटा सी है, लैम्डा एम का एक दूसरा फॉर्मूला भी हो गया, क्या हो गया कप्पा इंटू भी। तो यहां आप गौर करेंगे मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता में मूलभूत अंतर देखिए ये है, इसमें बिलियन का एक मोल लिया गया, तुल्यांक चालकता में बिलियन का एक ग्राम तुल्यांक लिया गया था, उसमें बिलियन को दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच में एक दूसरे से एक सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया था, जबकि मोलर चालकता में उस बिलियन को दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच एक दूसरे से एक मीटर की दूरी पर रखा गया है।
अच्छा यहाँ एक छोटा सा नोट दिया हुआ है, जब मोलर चालकता का मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स या सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो तो लैम्डा एम का एक फॉर्मूला ये भी होता है कप्पा गुने 1000 बटा सी। तो आज का टॉपिक यहीं रहने देते हैं, आगे का टॉपिक अगले वीडियोज में, तब तक के लिए राधे राधे।